हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रवीण चौहान, शैक्षिक अधिकारी गृह विज्ञान NIOS और आपकी कोर्स कोऑर्डिनेटर ब्यूटी थेरेपी पाठ्यक्रम के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का विषय है मैनीक्योर। भावनाओं एवं विचारों को व्यक्त करने में हाथों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम लोग हाथों से काम तो करते हैं, लेकिन उनकी सुंदरता की ओर ध्यान नहीं देते। मैनीक्योर केवल हाथों की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इनका बहुत महत्व है। मैनीक्योर की सही विधि, उसमें प्रयोग होने वाले उपकरण और ध्यान रखने योग्य सावधानियों के बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं हमारा ये वीडियो। हाथों को सुंदर बनाने की प्रक्रिया को मैनीक्योर कहा जाता है। आज हम ये विधि चरण दर चरण इसको सीखेंगे। मैनीक्योर करने के लिए आवश्यक सामग्री है नेल पॉलिश रिमूवर, रुई, मैनीक्योर शैम्पू, नेल ब्रश, क्यूटिकल ऑयल, स्क्रब, बेस कोट, टॉप कोट और नेल पॉलिश। मसाज करने के लिए क्रीम, हैंड मास्क और मैनीक्योर किट के अंतर्गत हैं नेल फाइलर, नेल कटर, क्यूटिकल रिमूवर, क्यूटिकल पुशर, कैंची और बफर। हाथों को डिप करने के लिए मैनीक्योर ट्रॉली एवं तौलिए। अब सबसे पहले हमें तैयारी करनी होती है क्लाइंट की। क्लाइंट को आप आराम पूर्वक कुर्सी पर बिठा दें। क्लाइंट की सभी ज्वेलरी और घड़ी वगैरह जो भी उन्होंने पहना हो, उसे सेफली एक बाउल में रखकर आप साइड पर रख दें। सबसे पहले आप देखें कि अगर नाखूनों पर पहले से कोई नेल पॉलिश लगी हुई है, तो नेल पॉलिश रिमूवर और रुई की सहायता से वह नेल पेंट साफ कर लें। पहला चरण हमारा मैनीक्योर का यह बहुत आवश्यक है। एक एक नाखून को प्रेस करते हुए बहुत आराम से ये नेल पेंट निकाला जा सकता है। नेल पॉलिश हटाने के बाद सबसे पहले क्लाइंट के नाखूनों को एक सुंदर आकार दें। यह आकार क्लाइंट की इच्छा अनुसार भी हो सकता है और आप जैसा बेहतर समझें उनके नाखूनों के हिसाब से उसे एक सही आकार में ढाल दें। वैसे ओवल आकार यानी कि अंडाकार आकार नाखूनों का बहुत अच्छा आकार माना जाता है, परंतु आजकल कुछ फैशन के हिसाब से चाकोर आकार भी दिया जाता है, जिसे हम फ्रेंच मैनीक्योर में लेते हैं। सभी नाखूनों को एक जैसा आकार दें और इसके बाद नाखूनों को नेल कटर से काटने के बाद उन्हें फाइल अवश्य करें, क्योंकि बिना फाइलिंग के कभी कभी नाखून टूटने का डर रहता है। किनारों से लेकर बीच के सिरे तक फाइल करें नाखूनों को। अंगूठे से शुरू करते हुए बारी बारी सभी उंगलियों को सही प्रकार से फाइल करें। फाइल का प्रेशर ना बहुत हल्का ना बहुत तेज होना चाहिए, ऐसा ना हो कि क्लाइंट को नाखून खींचने का आभास हो या किसी भी प्रकार के दर्द का आभास ना हो। इसी प्रकार से दूसरे हाथ के नाखूनों को भी आकार देते जाएं। अब हम हाथों को भिगोने के लिए सामग्री तैयार करेंगे।
ये हमारी एक मैनीक्योर ट्रॉली है, इसमें दोनों हाथों को डिप करने के लिए हमने गुनगुना पानी लिया है। यह पानी ना बहुत अधिक गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक ठंडा भी नहीं। अब इसमें हम सबसे पहले मैनीक्योर शैम्पू डालेंगे। ये मैनीक्योर शैम्पू हाथों की मृत त्वचा को सॉफ्ट करने के काम आता है। हमारे नाखूनों के आसपास की त्वचा काफी हार्ड होती है, मृत त्वचा। इस मृत त्वचा को हटाने के लिए सबसे पहले नाखूनों पर एक क्यूटिकल क्रीम लगानी आवश्यक है। इस क्यूटिकल क्रीम से हमारे क्यूटिकल्स सॉफ्ट हो जाते हैं और उन्हें हटाने में हमें आसानी होती है। क्रीम लगाकर हाथों को पानी में डिप करते हैं। हमें इन हाथों को 10 से 15 मिनट तक पानी में भिगोकर रखना है। 15 मिनट उनके लिए जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा हार्ड है, अन्यथा अगर हमारी त्वचा ठीक है तो हम इसको 10 मिनट तक भी भिगोकर रख सकते हैं। अब एक हाथ को बाहर निकालेंगे, अपने हाथ में पकड़िए इसको, एक टिश्यू पेपर के ऊपर इस हाथ को रख दीजिए। अब स्पैचुला की सहायता से हम थोड़ा सा स्क्रब अपने हाथों पर लेंगे। अब इस स्क्रब से हम हाथों पर हल्के हाथों से गोल गोल मालिश करते हुए मृत त्वचा हटाएंगे। इस स्क्रब की प्रक्रिया हम ऊपर कोहनी तक, पूरी बांह तक लेकर जाएंगे। साथ साथ थोड़ा सा पानी का हाथ लगाते हुए, सूखा हाथ स्क्रब का हमें नहीं चलाना है और स्क्रब के सभी मूवमेंट ज्यादातर गोलाकार आकृतियों में किए जाते हैं। हाथों पर, उंगलियों पर, उंगलियों के जॉइंट्स पर अच्छी तरह से स्क्रब से मालिश करेंगे। यह प्रक्रिया 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे हम। स्क्रब की प्रक्रिया हो जाने पर इस हाथ को दोबारा से पानी में डिप कर दें। अब यही सेम प्रक्रिया हम दूसरे हाथ पर करेंगे। अब इस हाथ को भी हम पानी में डिप कर देंगे। हाथों को डिप करने का समय पूरा हो चुका है। अब हम एक गीले तौलिए की सहायता से दोनों हाथों और बाहों को साफ कर लेंगे, जिससे कि लगा हुआ सारा स्क्रब आराम से निकल जाए। इसे धीरे धीरे थपथपाते हुए हाथों और बाहों को साफ करेंगे। अब एक नेल ब्रश की सहायता से हम नाखूनों को साफ करेंगे। इस नेल ब्रश पर हम थोड़ा सा शैम्पू लगाएंगे। ये वही शैम्पू है जो हमने डिपिंग के दौरान पानी में डाला था। धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए नाखूनों के ऊपर की मृत त्वचा और अंदर की गंदगी को हम इस ब्रश की सहायता से अच्छी तरह साफ करेंगे। हाथों को सीधा कर पूरे हाथ पर ब्रश चलाइए, ताकि हाथों की लाइंस के अंदर जो गंदगी या मिट्टी वगैरह होती है वे इस ब्रश और शैम्पू की सहायता से साफ हो जाती है। ध्यान रखें, ये ब्रश धीरे चलाना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट को कोई असुविधा ना हो। मैनीक्योर बाउल के पानी को हमने बदल लिया है। इस साफ पानी में क्लाइंट के हाथों को, जिसमें शैम्पू लगा हुआ है, उसे अच्छी तरह साफ करेंगे। हाथों को पानी से साफ करने के बाद इसे तौलिए से
या टिश्यू पेपर की सहायता से सुखा लेंगे। हाथों को सुखाने के बाद अब हमारी प्रक्रिया होगी नाखूनों की मृत त्वचा को पीछे धकेलने की। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे क्यूटिकल पुशर का। इस क्यूटिकल पुशर की सहायता से हमारे नाखूनों के पीछे की जितनी मृत त्वचा है उसे धीरे धीरे हम पीछे की ओर धकेलेंगे। सभी नाखूनों पर बारी बारी इस क्यूटिकल पुशर की सहायता से आप मृत त्वचा को पुश करेंगे, जिससे ये त्वचा आसानी से निकाली जा सके। जब बहुत लंबे समय तक हम मैनीक्योर नहीं करवाते और ये मृत त्वचा हमारे नाखूनों के साथ चिपक जाती है, तब हमारे नाखून अच्छी प्रकार से सांस नहीं ले पाते। आपने देखा होगा कुछ लोगों के नाखून पीले पड़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय तक नेल पॉलिश लगाने के कारण भी ये हो सकता है, और साथ ही ये मृत त्वचा नाखूनों को जब ढक लेती है तब भी यह समस्या आ जाती है। इसलिए इस मृत त्वचा को हटाना बहुत आवश्यक है। देखिए काफ़ी मात्रा में ये मृत त्वचा हमें दिखाई दे रही है नाखूनों पर। अब क्यूटिकल कटर की सहायता से हम इस पूरी स्किन को और आसपास के मृत त्वचा को निकाल देंगे। देखें एक बार इस औजार को आप ध्यान से देखें, ये क्यूटिकल कटर है। क्यूटिकल कटर की सहायता से बारी बारी सभी नाखूनों से मृत त्वचा को निकालें। अब यही प्रक्रिया दूसरे हाथ पर भी अपनाएंगे हम। इस मृत त्वचा के निकलते ही आप देखेंगे हमारे नाखूनों का प्राकृतिक सौंदर्य उभर कर आ जाता है। कभी कभी इस मृत त्वचा को निकालते समय हमारी त्वचा से खून भी आ जाता है, या असावधानी से काम करते हुए कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए इस कार्य को बहुत ध्यान से करें, और यदि लगे कि कहीं हल्की सी कोई ब्लीडिंग या खून निकला है तो तुरंत उस पर एंटीसेप्टिक लगाएं। लीजिए अब हमारे हाथों की संपूर्ण मृत त्वचा नाखूनों की निकल चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा नाखूनों की बफिंग। ये एक बफर है जिससे हमें नाखूनों की प्राकृतिक चमक लाने में सहायता मिलती है। देखिए इसकी प्रक्रिया, नाखूनों पर हल्का हल्का रगड़ते हुए नाखूनों को बफ करें। इस बफर को पीछे की त्वचा के साथ ज़्यादा ना रगड़ें। कुछ समय बाद हमारे नाखूनों पर एक मृत त्वचा आ जाती है जो नाखूनों की कुदरती चमक को नष्ट कर देती है। इस बफर से वही कुदरती चमक हमें वापस मिलती है। नेल पॉलिश के अत्यधिक प्रयोग के बाद जो नाखून पीले पड़ गए होते हैं वो भी इस बफिंग से बिल्कुल साफ हो जाते हैं। हमारे नाखूनों पर बफिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कॉटन की सहायता से इसके जो ऊपरी मृत त्वचा है उसको साफ कर देंगे। अब हमारा अगला चरण है हाथों पर एक मास्क लगाना। इस मास्क से हमारे हाथों को पोषण मिलता है। कोहनी से लेकर नीचे हाथों तक आप एक ब्रश की सहायता से इस मास्क को इस प्रकार लगाएं। हमारी बांह पर यह मास्क दोनों तरफ से लग चुका है, अब ये मास्क हम हाथों पर लगाएंगे। अगर मास्क बहुत गाढ़ा हो तो आप थोड़ा सा उसमें पानी मिला सकते हैं। हाथों से लेकर उंगलियों तक इस मास्क को फैला दें। अब यही प्रक्रिया दूसरे हाथ और बांह पर करिए। मैनीक्योर के ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं और यह बाजार में भी उपलब्ध है। इस मास्क को कम से कम 10 मिनट तक लगाना होता है। लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा मास्क बिल्कुल सूख गया है। अब हम इसे पानी के हाथ लगाते हुए और हल्के हाथ से मालिश करते हुए दोनों बाहों को साफ कर लेंगे।
सूखे हाथ से इस मास्क को हम नहीं रगड़ेंगे। थोड़ा हाथ गीला करते हुए मास्क पर लगाते जाएं और इसे साफ करते जाएं। एक टिश्यू पेपर या तौलिए की सहायता से हाथों और बाहों को साफ कर लें। इसी प्रकार से दूसरी बांह को भी साफ करेंगे। इसे भी टिश्यू पेपर की सहायता से साफ करके सुखा लेंगे। मैनिक्योर का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है हाथों पर मालिश करना। इस मालिश से हमारे हाथों को और बाहों को पूरा पोषण मिलता है और एक जो एक ड्राइनेस होती है वो हाथों और बाहों की समाप्त हो जाती है। हाथों में क्रीम लेकर धीरे धीरे इस प्रकार से बाह और हाथ पर फैलाएं। कोहनी से लेकर नीचे बाह तक हाथों को लाते हुए मालिश करें। थोड़ा सा हाथ को मोड़कर कोहनियों पर गोल हाथ घुमाएं, जिससे कभी कभी हमारी कोहनियाँ ड्राई होने के कारण काफ़ी काली पड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्रीम लगाकर ये क्रिया करनी बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 बार इसको दोहराकर फिर ऊपर से नीचे कलाई तक सीधी मालिश करें। 1 से 2 मिनट के बाद बाहों पर गोलाकार मालिश दें। दोनों हाथों से त्वचा को गोल गोल घुमाते हुए मालिश करें। यदि क्रीम गाढ़ी महसूस हो तो साथ में पानी का हाथ लगा लें। क्रीम जितनी पतली होगी उतनी त्वचा के अंदर जाएगी, इसलिए बहुत गाढ़ी क्रीम के साथ मालिश ना करके पानी का हाथ टच करते रहें। अब आप कलाई पर आकर गोलाकार क्रियाएं करें। दोनों हाथों से ट्विस्ट देते हुए कोहनी से कलाई तक आए। 2 से 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। सीधे आते हुए हाथ पर मालिश शुरू कर दें। दोनों हाथों से आड़ी मूवमेंट बनाते हुए और गोलाकार मूवमेंट बनाते हुए मालिश करें। अब हाथों की उंगलियों पर आ जाएं। अपनी 2 उंगलियों में एक एक उंगली को फंसाते हुए नीचे की तरफ मालिश करें। अब अपनी उंगलियों को क्लाइंट के हाथों में फंसाकर दबाव बनाते हुए ऊपर की तरफ खींचें, जिससे रक्त प्रवाह पूरे हाथों में और पूरी उंगलियों में अच्छी प्रकार आए। हमारी उंगलियों में हमारे रक्त की वाहिनियाँ बहुत पतली होती हैं, इसलिए इनको ऊपर की ओर मालिश करने से रक्त प्रवाह तेज होगा और जो ड्राइनेस या जो कालापन हमारे पोरों पर आ जाता है वह भी दूर होगा। अब उंगलियों के जोड़ होते हैं, आप देखिए 2-2 जोड़ हर उंगली में हैं। इन पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ 5-5 बार घुमाते हुए हर जोड़ पर मालिश करें। यह मालिश करते हुए थोड़ा सा दबाव बनाएं। सभी जोड़ों पर यह मालिश करने के बाद इसी प्रकार से हाथों के नाखूनों पर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार मालिश करें। इस गोलाकार मूवमेंट से भी हमारे नाखूनों की मृत त्वचा हटाने में सहायता मिलती है। अब एक हाथ से कलाई को पकड़ लें और पूरे हाथ को गोलाकार घुमाएं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार। अब जो आपके हाथ की उंगलियां क्लाइंट के हाथ में हैं, धीरे धीरे उसको एक खिसकाते हुए ऊपर की तरफ लाएं।
पूरे हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उंगलियों तक खींचें। 5 बार दोहराएं इस क्रिया को। ये हमारे बांह और हाथ की मालिश है। इस प्रक्रिया को आप 3 बार दोहरा सकते हैं। मालिश की यही सेम क्रिया हम दूसरे हाथ और बांह पर भी अपनाएंगे। हथेली पर दिए जाने वाले प्रेशर पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे। एक हाथ से आप कलाई को कसकर पकड़ लीजिए। अब दूसरे हाथ से अपनी उंगलियां क्लाइंट की उंगलियों में फंसाकर अंगूठे से सेंटर में हथेली के बीच के हिस्से में दबाव बनाते हुए प्रेशर बिंदु दबाएं। इस हिस्से पर अपने अंगूठे को गोल गोल घुमाते हुए हथेली का पूरा हिस्सा कवर करें। पूरी हथेली पर हम इसे गोल गोल घुमा सकते हैं। इसे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। दोनों हाथों में इसी प्रकार से हमें ये प्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं। अब उंगलियों के पोरों के नीचे यहाँ हम कुछ प्रेशर पॉइंट्स अंगूठे से दबाव बनाते हुए देंगे। हथेली के चारों तरफ कुछ प्रेशर पॉइंट्स इस तरह दबाएंगे। उसके बाद पूरे हाथों को अपने हाथों से खींचते हुए मालिश करते जाएं। इन प्रेशर पॉइंट्स को आप एक बार दोबारा देखें। हथेली के बीच में एक प्रेशर पॉइंट यहाँ दबाएंगे हम। इसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए पूरी हथेली पर मसाज देंगे। इसके पश्चात उंगलियों के बिल्कुल निचले हिस्से को दबाते हुए प्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे। दोनों हाथों पर ये प्रेशर पॉइंट्स हम समान रूप से करेंगे। हाथों और बाहों पर यह मालिश 15 मिनट तक की जानी चाहिए और इन क्रियाओं को हम 3 बार बाहों पर दोहरा सकते हैं। यह थी हमारी मालिश की संपूर्ण प्रक्रिया। अब हमारे हाथ नेल पॉलिश लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पूर्व हमने जो मालिश की है वह अतिरिक्त क्रीम एक सूखे टिश्यू की सहायता से अच्छी तरह साफ कर लेंगे। खास तौर पर एक रुई की सहायता से नाखूनों के ऊपर से भी क्रीम अच्छी तरह हटाएंगे। नाखूनों पर नेल पॉलिश रिमूवर की सहायता से सारी एक्स्ट्रा क्रीम को हम साफ करेंगे ताकि नेल पॉलिश अच्छी तरह लगाई जा सके। ये हैं नेल पॉलिश के विभिन्न प्रकार के रंग। आप कोई भी रंग अपनी क्लाइंट की इच्छा अनुसार उन्हें दिखाकर इसमें से चुन सकते हैं और उनके नाखूनों पर लगा सकते हैं। एक खास बात का ध्यान रखें, यदि आप क्लाइंट के नाखूनों पर कोई गहरे रंग की नेल पॉलिश लगा रहे हैं तो कभी भी उसे डायरेक्ट नाखूनों पर ना लगाएं। उसे लगाने से पहले बेस कोट का प्रयोग अवश्य करें। इस बेस कोट से आपके नाखूनों की ऊपरी परत खराब नहीं होती है, इसलिए जब भी आप कभी रेड, ब्लैक या ब्लू डार्क कलर्स का प्रयोग करते हैं तो बेस कोट लगाना आवश्यक है।
हमारे क्लाइंट ने यहाँ पर एक हल्के रंग की नेल पॉलिश का चुनाव किया है। देखिए, ये लाइट पिंक कलर की नेल पॉलिश है, इसके नीचे बेस कोट लगाना आवश्यक नहीं है। तो डायरेक्ट एक एक फिंगर को अपनी दो उंगलियों में पकड़ते हुए पहला कोट लगाएं। ध्यान रखें, नेल पॉलिश के कम से कम 3 कोट लगाने जरूरी होते हैं। सभी नाखूनों पर यह पहला कोट लगा रहे हैं हम। जब यह थोड़ा सा सूख जाएगा तब एक कोट और लगाया जाएगा। एक नाखून पर 3 स्ट्रोक में नेल पॉलिश लगानी चाहिए। इसी प्रकार से अब दूसरे हाथों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाएं। दोनों हाथों पर पहला कोट नेल पेंट का लग चुका है। अब फिर से जिस उंगली से हमने शुरू किया था एक दूसरा कोट नेल पेंट का लगाएंगे। दो कोट लगाने पर ही नेल पॉलिश का असली कलर नाखूनों पर आता है। लीजिए, सभी नाखूनों पर नेल पेंट लगकर तैयार है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक इस नेल पॉलिश को सूखने दें। नेल पॉलिश को सूखने का पूरा समय दें। इस दौरान कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे नेल पॉलिश उतर जाए। वैसे आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के नेल पेंट उपलब्ध हैं, जिन्हें हम क्विक ड्राई नेल पेंट कहते हैं, जो लगाने के साथ साथ ही कुछ सेकंड्स में सूख जाते हैं। अब आप अपने हिसाब से आप जो भी नेल पेंट का प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुसार अपने क्लाइंट को समय दें उसे सुखाने का। हमारे हाथों पर लगाई गई नेल पॉलिश पूरी तरह से सूख चुकी है। अब अंतिम चरण मैनीक्योर का हम करेंगे, वो है क्यूटिकल ऑयल लगाना। ये क्यूटिकल ऑयल लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्यूटिकल के ज़रिए ही हमारे नाखून सांस लेते हैं, ऑक्सीजन पहुंचती है उन तक, और साथ ही हमारे क्यूटिकल्स को नरिशमेंट मिलती है। एक एक ड्रॉप आप क्यूटिकल्स पर लगाएंगे। इसके बाद अपने अंगूठे की सहायता से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मालिश करें। क्यूटिकल ऑयल अच्छे तरीके से लग चुका है। अब एक्स्ट्रा ऑयल को हम एक टिश्यू की सहायता से साफ कर देंगे। मैनीक्योर किए गए ये हाथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैनीक्योर की इस प्रक्रिया को महीने में एक बार अवश्य कराया जाना चाहिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप मैनीक्योर की सही विधि के बारे में बेहतर तरीके से जान गए होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।